जल्द देहरा में खुलेगा सीआरपीएफ का कोबरा ट्रेनिंग सेंटर। 250 एकड़ जमीन में लगी फाइनल मोहर, तैयार होंगे कोबरा कमांडो। Show you we have been to almost the entire periphery of the land now, except this part, except this part. P2 4P2 हो जाएगा। ये सरकार हिमाचल मालिक है, कब्जे इसमें बनवाल पास के बच्चे यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये एक पुल इसके आगे बड़ा पुल है, एक नंबर टावर है, आपको दैट पॉइंट। क्या बोलेंगे, कभी कोई लोकली बोलेगा, हमारा सरकारी मुलाजिमों का नहीं रहता कुछ नहीं। आज सीआरपीएफ के जो टीम आई थी, टेक्निकल टीम फ्रॉम दिल्ली, जो साइट उन्होंने सेलेक्ट की है उसका निरीक्षण करने आए थे, और उन्होंने सारी जगह देखी, और उनके साथ और भी कई अधिकारी आए थे चंडीगढ़ से, दिल्ली से, उन्हें हमने सारा दिखा दिया है। अब उन्होंने एक फ़ाइनल रिपोर्ट पे देनी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट या टेक्निकल रिपोर्ट जो हम कहते हैं, जिसे जिसके बाद जो है लैंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आज इन्होंने देखने के बाद, सारे अधिकारियों ने देखने के बाद तो पॉजिटिवनेस बताई है अपनी, आगे जैसे उनकी रिपोर्ट आ जाती है तो यहाँ का जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो केस है वो उसकी जो है फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मेलिटीज़ 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए और जो उनका कार्य है यहाँ शुरू हो जाए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अब FRC का जो केस बनना है तो उसमें भी मैं अपनी निधि से पैसे दे रहा हूँ उस उन एजेंसियों को जो ये कार्य करेंगे। तो हमने अब हमारी ओर से पूरा जोर लगाया है, और जयराम ठाकुर की सरकार ने, जयराम जी ने पहले भी इन्हें अपना लेटर ऑफ इंटेंट दे चुके हैं कि हम जो है 1 रुपये में जो लैंड 250 एकड़ लैंड जो है वो हम देने को तैयार है, CRPF के नाम करने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो फॉर्मेलिटी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस या टेक्निकल क्लियरेंस जो भी है, ये जो आज टीम आई थी, ये जल्द से जल्द जो है इसे पूरा करें।